चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और नजरों पर खबर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के नौजवानों को बम्पर दिवाली गिफ्ट देने वाले हैं। पीएम मोदी आज से रोजगार मेले की लॉन्चिंग कर रहे हैं, जिसके जरिए देश में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। इसके पहले चरण में आज 75,000 युवाओं को जॉब लेटर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। अगले साल दिसंबर तक और 9.25 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। युवाओं के अलावा आज 4.5 लाख से ज्यादा गरीबों के चेहरे पर भी मुस्कान खिलने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी 4.5 लाख गरीबों का गृह प्रवेश कराएंगे, उन्हें उनके घरों की चाबी सौंपेंगे। तो इस दिवाली पर प्रधानमंत्री मोदी बम्पर गिफ्ट देने की तैयारी कर चुके हैं। आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी 75,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। इस दौरान कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होंगे, राज्यों के कार्यक्रम से भी जुड़े होंगे, और दोपहर बाद प्रधानमंत्री वर्चुअली मध्य प्रदेश के सतना जिले के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। यहां 4.5 लाख से ज्यादा लोगों के सपने आज पूरे होंगे, क्योंकि उन्हें आज अपना घर मिलने जा रहा है। दिवाली पर मोदी का बम्पर गिफ्ट। पिचहत्तर हजार युवाओं को मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर। पीएम मोदी का बेरोजगारी पर वार। दस लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। आज धनतेरस है और प्रधानमंत्री मोदी धनतेरस और दिवाली के मौके पर देशवासियों के लिए बड़ा गिफ्ट लाए हैं। इस दिवाली पर 5.25 लाख घरों में मोदी के नाम का दिया जलेगा। 75,000 युवाओं को उनकी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर खुद प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं। वहीं एमपी में करीब 4.5 लाख घरों में इस दिवाली खुशियों का दिया जलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से रोजगार मेला लॉन्च करने वाले हैं। इस मेले का मकसद 10 लाख युवाओं को रोजगार देना है, और इसके पहले चरण में वो 75,000 युवाओं को जॉब लेटर सौंपने वाले हैं। आज पूरे देश में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। इसमें अलग अलग राज्यों में केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये सभी केंद्र सरकार के 38 विभागों और मंत्रालयों में ज्वाइन करेंगे। इनकी ग्रुप ए और ग्रुप बी, गैजेटेड नॉन गैजेटेड और ग्रुप सी के लेवल पर ज्वाइनिंग होगी। इन युवाओं की नियुक्ति सीएपीएफ, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल के पदों पर की जाएगी। इसके अलावा ये युवा एलडीसी, स्टेनो, पर्सनल असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एमटीएस जैसे पदों पर भी ज्वाइन करेंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत भर है। दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल इसी साल 14 जून को पीएमओ इंडिया के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर पीएम मोदी ने इस बात का साफ संकेत दे दिया था। ट्वीट में लिखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि सरकार अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्तियां करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद सभी विभाग मिशन मोड में जुट गए। युद्ध स्तर पर युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हुआ, और इसके लिए सभी तरह की दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की गई। तकनीक की मदद से भर्ती प्रक्रिया को आसान और तेज बनाया गया, और अब उनका रिजल्ट भी सामने है। सरकार का जितने भी वैकेंसीज है ये भी फिलअप करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दिया है। इस वैकेंसीज को फिलअप करना चाहिए, सभी डिपार्टमेंट से बातचीत हुआ है। लगभग 10 लाख वैकेंसीज शीघ्र गति से इसको फिलअप करने के लिए आदेश मिला है, और पहली मंथली एक एक महीने में एक एक ग्रुप के साथ रिक्रूटमेंट होगा। आज होने वाले वर्चुअल प्रोग्राम में कैबिनेट मिनिस्टर्स भी राज्यों में शामिल होंगे। उड़ीसा में धर्मेंद्र प्रधान, गुजरात में मनसुख मंडाविया, चंडीगढ़ में अनुराग ठाकुर, महाराष्ट्र में पीयूष गोयल, राजस्थान में अश्विनी वैष्णव, झारखंड में अर्जुन मुंडा, बिहार में गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल रहेंगे। इसके अलावा सांसदों से भी अपने संसदीय इलाकों से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा गया है। लेकिन पीएम मोदी के इस कदम पर विपक्ष ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी बिहार की नकल कर रहे हैं। मेरी बात सच हुई कि नहीं हुई,
हमने जब लेबर डिपार्टमेंट का प्रोग्राम चल रहा था उसी प्रोग्राम में हमने कहा था कि जो नौकरी का जो मॉडल जो है बिहार में, जिस तरह से हमारी नई सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में नियुक्ति पत्र नौकरियां दी जा रही हैं, वो पूरे देश इसको जो है इस मॉडल को मानेगा। तो आज क्या हो रहा है आप बताइए, प्रधानमंत्री जी इससे पहले क्यों नहीं बांटते थे भाई, क्यों नहीं देते थे? हम ही लोगों ने ना शुरुआत की है भाई, हम ही लोग शुरुआत कर रहे हैं उसका। अगर कोई कॉपी कर रहा है तो आप सब लोगों को खुश होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 10 लाख की बात कही है उसकी दिशा में पहला वो प्रोग्राम है और 75,000 नौकरियों से तो शुरुआत होगी लेकिन 10 लाख का आंकड़ा पार करेंगे। विपक्ष बार बार कहता था रोजगार के मोर्चे पर सवाल पूछता था, अब बोलती बंद होगी विपक्ष की? देखिए, हम विपक्ष की बोलती बंद कराने ना कराने की बात नहीं, हम तो अपने युवाओं को अवसर दे रहे हैं, जो रिक्त पद उनको भरने का काम कर रहे हैं और सरकारी क्षेत्र के साथ साथ गैर सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़े और स्वरोजगार के अवसर बढ़े, उस दिशा में बहुत सारे कदम सरकार ने अलग अलग नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से उठाए हैं। एक तरफ रोजगार है तो दूसरी तरफ दिवाली के मौके पर आवास का गिफ्ट भी प्रधानमंत्री मोदी आज देने वाले हैं। मध्य प्रदेश के करीब 4.5 लाख लोगों को उनके सपनों के घर की चाबी दी जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।